स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ दिल्ली स्वस्थ दिल्ली बनाने के लिए फेसबुक ग्रुप माई दिल्ली कीप इट क्लीन ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के तहत प्रीत विहार इलाके के डिस्ट्रिक्ट सेंटर के आसपास साफ सफाई के अलावा फॉगिंग भी किया गया। आपको बता दें कि फेसबुक ग्रुप माई दिल्ली कीप इट क्लीन में हजारों लोग जुड़े हैं। इसी ग्रुप के माध्यम से किसी एक जगह सफाई अभियान के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है और लोग इकट्ठा होकर दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देते हैं। प्रीत विहार में आयोजित इस ग्रुप का ये 31वां अभियान है। क्लीन ग्रुप है फेसबुक का, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं 2 साल से। तो हमने इसमें यही सीखा कि श्रमदान देने से और देश स्वच्छ और स्वस्थ हो सकता है, और इसीलिए मोदी जी की भी कहना है उनका, पीएम जी का। तो इसीलिए हम जो है इसमें जुड़े हैं और जगह जगह जाकर सफाई करते हैं। 1 महीने में 1 या 2 प्रोग्राम हो जाते हैं, जिसमें हम संडे वाले दिन ये प्रोग्राम करते हैं। सर, हमारा ये 31वां प्रोग्राम है माई दिल्ली कीप इट क्लीन का। हम अपना कोई भी प्रोग्राम जब करने लगते हैं तो फेसबुक पे अपडेट कर देते हैं कि हमारा अगला प्रोग्राम इस जगह पर इतने बजे से स्टार्ट होगा और इतने बजे पे ख़त्म होगा। तो उसी फेसबुक पर हम लोगों ने अपडेट कर दिया था लास्ट वीक में ही कि आज प्रीत विहार में हमारा ये प्रोग्राम 9 बजे शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा। लोगों को आज महसूस हो गया है कि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। जैसे जीने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, इसलिए ऐसे ही बीमारी से बचने के लिए अपने आसपास सफाई रखना ज़रूरी है। हम लोगों को अवेयर करते हैं कि हमारे थोड़ा सा भी सफाई रखने के लिए हमें योगदान दें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। हम लोगों को देखकर लोग अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। ऐसे आज हमने यहाँ पे सारी सफाई करी है और थाने में फॉगिंग वगैरह करी है, तो इससे लोगों को मैसेज दिया है हमने लोगों को कि वो अवेयरनेस तक हम जागरूक हुए ताकि हम लोग हमारे साथ ये जुड़ें इसके साथ और जागरूक होकर अब काम करें। कीप इट क्लीन के इस अभियान का लोग खूब सराहना कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक सरकारी एजेंसियां अपने काम को सही ढंग से नहीं करती, कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल, आज मैं जब देखा सुबह 7-8 बजे से ये लोग लगे हुए हैं और देखिए कितनी अच्छी सफाई किया इन्होंने बिना किसी की मदद के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के, बहुत अच्छा लगा। और उसमें इस ग्रुप में मैं भी जुड़ा, लेकिन ये देखिए नम्मा टॉयलेट यहाँ बना है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, अच्छी बातें बन गया, लेकिन ना यहाँ बिजली है ना पानी है। तो ऐसे शौचालय बनाने से और ये क्या कर सकते हैं? इसमें बिजली तो ये नहीं दे सकते, ना पानी व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, सफाई इन्होंने कर दिया, अच्छी बात है। इस तरह बहुत बहुत अच्छा लगा कि ऐसा इन्होंने ग्रुप बनाया है और जगह जगह सफाई करते हैं। और ये 31वां है जैसा मुझे मालूम है, मुझे मालूम नहीं था कि अक्सर ये करते रहते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। ये काम बहुत अच्छा है और ये काम तभी अच्छा माना जाएगा जब ये रूटीन में चले। रूटीन में चलने का मेरा मतलब ये है, आप पूरा विकास मार्ग देख लीजिए, कहीं भी कूड़ेदान नहीं बना हुआ। आप इसी रोड पे जहाँ खड़े हैं साइड में देखेंगे तो कहीं कूड़ेदान बना भी नहीं हुआ, और 1-2 कूड़ेदान जहाँ बने हुए हैं वहाँ से कूड़ा उठता ही नहीं है। मैं मॉर्निंग में यहाँ डेली 5 बजे चक्कर लगाता हूँ पार्क में और पूरा सर्वे करता हूँ, इधर नुरला वाली रोड जो है अंदर की और बाहर की। पहली बात तो कूड़े घर बने नहीं हुए, मैं देश विदेश में भी बहुत घूम के आया हूँ, और कहीं अगर मान लो कूड़े घर बना भी हुआ है और लोग उसमें कूड़ा डालते भी हैं तो वो 2 दिन तक कूड़ा वहाँ से उठाया ही नहीं जाता और वो कूड़ा कूड़ेदान के बाहर सारा पड़ा रहता है। तो ये होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस करके हर 500 मीटर के बाद एक कूड़ेदान लगवाया जाए। मैंने ये स्टेप उठाया कि मेरे आसपास जो कूड़ा होता है वो पहली बात मैं लोगों को पर्सनली मिल के आग्रह करता हूँ कि यहाँ कूड़ा मत फेंकें, और एक कूड़ेदान वहाँ लगवाया मैंने G245 के बाहर, बहुत बड़ा कूड़ेदान है लेकिन वो एक खत्ता बन गया क्योंकि वहाँ से कूड़ा उठाया नहीं जाता। कि जो मेंबर हैं इलेक्टेड उनसे बात की है लेकिन उनको कोई असर नहीं है, जिसको कह लो अब बबीता खन्ना है उनको ही बोला है तो वो कहते हैं हाँ उठाएंगे, लेकिन वो हफ्ते में एक बार उठता है और 7 दिन वहाँ पूरा एक कूड़ादान के बाहर एक पूरा झमेला बन जाता है, खत्ता बन जाता है। अच्छा स्टेप है अगर ये लोग ये कर रहे हैं कि एक छोटी छोटी जगह पर ये उठाया जा रहा है और ऐसी कमेटी बनाई जा रही है, मगर गवर्नमेंट का हमारी जो कॉरपोरेशन है उसका रुख बहुत ही निराशाजनक है। वो ऐसे कि इनके जो सफाई कर्मचारी हैं वो कब आते हैं, 10 बजे या 9 बजे। 9 बजे तक तो आप विदेशों में देखिए, वहाँ पर मैंने देखा, मैं जर्मनी हर साल जाता हूँ, वहाँ सुबह सुबह 5 बजे अंधेरा ही होता है तो वैक्यूम क्लीनर से
दो आदमी वैक्यूम क्लीनर लेके सारा पूरा सड़क पे जितना कूड़ा है उनके मशीन गाड़ी साथ साथ चलती है, सारा कूड़ा उसके अंदर आ जाता है। हमारे यहाँ आप देखेंगे, हमारी चांदनी चौक में दुकान रही है, वहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा 10 बजे जब ट्रैफिक शुरू होता है, बिल्कुल जुड़ना चाहूँगा, अभी मेरे मित्र और मैं दोनों गए थे गाजीपुर मंडी, वहाँ इतना कूड़ा है देख के मेरे को कई बार बड़ा वो होता है कि क्या ये हम लोग ये उठा नहीं सकते, खुद ही हमें स्टेप लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट एजेंसियाँ इतनी वीक हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट, उन्होंने बिल्कुल जितने वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं किया। कीप इट क्लीन का ये अभियान काबिले तारीफ है, जरूरत है ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की ताकि इनका अभियान निरंतर चलता रहे। दिल्ली से न्यूज़ सेवा की रिपोर्ट।